हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। आपको ये जानकारी देना बहुत जरूरी है। अब ये लॉकडाउन आगे बढ़ चुका है, 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन अब इस पूरे महीने जारी रहेगा। लॉकडाउन में ढील दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसका हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कायदे से लॉकडाउन अब 31 मई तक जारी रहने वाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, इंतजार किस चीज का हो रहा था, इंतजार इस चीज का हो रहा था कि गाइडलाइंस आएगी, अब कल क्या करना है, कल से किस तरीके से हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, कौन कौन से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको हमें बिल्कुल अपने जहन में उतार लेना है। लेकिन उससे पहले ये खबर आ गई, 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप देख रहे हैं, 31 मई तक के लिए। नीरज पांडे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। देखिए, लॉकडाउन की अभी घोषणा होना बाकी है, क्योंकि गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन आनी बाकी है एमएचए की। लेकिन एनडीएमए का जो लेटर दिखाई पड़ रहा है उससे साफ है कि 31 मई तक की तैयारी पूरी है। एनडीएमए ने जो मिनिस्ट्रीज को और स्टेट को नोटिफिकेशन जो लेटर भेजे हैं उसके अनुसार 31 मई तक के लिए एनडीएमए ने लॉकडाउन 4 की तैयारी पूरी कर रखी है। उनका मानना है कि 31 मई तक कोविड को लेकर हम तैयारी पूर्ण कर रखे हैं, तैयारी में हैं। अब ये देखना होगा थोड़ी देर में जो एमएसए की गाइडलाइन आती है उसमें प्रॉपर डेट क्या होती है, क्या वो 31 तक होती है या उससे आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है वो बेसिकली ऐसे तमाम मामलों में खुद डिसीजन लेती है, खुद तैयारी करके रखती है। तो वो ये नीरज एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये जितने भी पर्चे हैं, वो जितने भी आदेश निकल रहे हैं उसमें 31 तारीख मेंशन है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 17 से अब 31 मई की तरफ बढ़ गया है। अब ऐलान जो आधिकारिक तौर पर होना चाहिए वो कब होगा, वो गाइडलाइंस जो आधिकारिक तौर पर आ जानी चाहिए वो कब आएगी, क्यों इतना डिले हो रहा है? रुबिका, मैं आपको बता दूं, ये प्रॉपर गाइडलाइन तैयार हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने लास्ट स्पीच में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पहले लॉकडाउन से दूसरा लॉकडाउन अलग था, दूसरे लॉकडाउन से तीसरा लॉकडाउन अलग था, और तीसरे लॉकडाउन से निश्चित रूप में चौथा लॉकडाउन भी अलग होगा। तो एक प्रॉपर डिटेल्ड गाइडलाइन तैयार हो रही है कि कहाँ छूट देनी है, कहाँ छूट नहीं देनी है, ग्रीन जोन में कैसी एक्टिविटी करनी है, ऑरेंज जोन में एक्टिविटी कैसी करनी है, रेड जोन में एक्टिविटी के क्या पैमाने होंगे, कंटेनमेंट जोन और डी कंटेनमेंट जोन में क्या एक्सरसाइज किया जाएगा, ये सब बहुत सारे इश्यूज है। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू है कि 15 मई तक उन्होंने राज्यों से भी डिटेल ब्लूप्रिंट मांगा है कि राज्य अपना ब्लूप्रिंट, तो हर राज्य की अपनी विशेषता है, भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ की अपनी जरूरतें हैं, तो हर राज्य ने अपनी अपनी जरूरत के अनुसार अपनी मांग और जानकारी, ये जानकारी तो लगातार नीरज आ ही रही थी, आपके भी विश्वसनीय सूत्र आपको बता ही रहे थे कि थोड़ी देरी हो जाएगी गाइडलाइंस आने में। क्या इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि राज्यों को कैसे, जिसे कहते हैं ना लॉकडाउन को लेकर डिसेंट्रलाइज तरीके से कैसे अब आगे बढ़ना है, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। अच्छा नीरज, रोक रही हूँ एक सेकंड, पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ जानकारी है। पंकज, अब आधिकारिक तौर पर 31 तारीख तक लॉकडाउन? जी हाँ रूबिका, अभी तक इस बात की चर्चा थी कि 31 मई तक लॉकडाउन 4 हो सकता है। अभी आधिकारिक तौर पर एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये जारी कर दिया है कि लॉकडाउन 4, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन 4 किया जा रहा है, तो 18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन 4 रहेगा, ये इस बात का ऐलान हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार हो रहा है कि गाइडलाइन क्या जारी किए जा रहे हैं। और कितना टाइम लग सकता है पंकज, क्योंकि सुबह से इंतजार हो रहा है। निर्मला सीतारमण जो अमूमन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, वो 11 बजे आज देश के सामने आई, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि आगे पीछे वो गाइडलाइंस जो है वो आ जाए, लेकिन अब तो 6 भी बज चुके हैं, गाइडलाइंस का अभी भी देश इंतजार कर रहा है, क्या वजह है? रुबिका देखिए, शाम 8 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिव और वहाँ के बड़े अफसरों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग करेंगे, तो मुझे लगता है गाइडलाइन कैसे लागू किया जाए इस पर चर्चा होगी, तो उससे पहले किसी भी वक्त गाइडलाइन आ सकता है हम सबके सामने। और ये जो नीरज कह रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर जो एक आदेश पारित हुआ उसमें तारीख 31 लिखी गई है, 31 मई जो है, यानी जितनी भी तैयारियां इस वक्त देश में हो रही है वो राज्यों की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, वो 31 मई तक के लॉकडाउन 4.0 को रख के हो रही है।
जी हाँ बिल्कुल रूबिका, इसको जैसा अब हम पुष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर 31 मई तक ऑलरेडी लॉकडाउन को बढ़ाया जा चुका है, यानी उनको इस बात के पहले से ही भनक लग गई थी। इसीलिए अभी जाकर के ये फैसला हुआ है कि 31 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन रहेगा। इस बात का आधिकारिक फैसला हो चुका है, ऐलान भी हो चुका है। अब सिर्फ गाइडलाइन की बात है। कुछ मामले फंसे हुए थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, मेट्रो से लेकर के जो पब्लिक बसेज होती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, डोमेस्टिक फ्लाइट सर्विसेज की, कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने की नॉर्मल तरीके से, उन पर मामला फंसा हुआ था कि उस पर क्या किया जाना है। एक बार फैसला हो जाता है तो हम सबके सामने गाइडलाइन आ जाएंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ने 31 तारीख दे दी है, ये क्लियर कर दिया है, जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइन जारी होने वाली है कि 31 मई जो है उसको जहन में रखा जाए, लॉकडाउन अब 31 मई तक रहने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से एनडीएमए ने कहा है, गृह मंत्रालय उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा है और उसी तरीके से गाइडलाइन भी बनाए जा रहे हैं। कि हम कितना इंतजार हमें करना चाहिए, पंकज आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? रूबिका मुझे लगता है कि कुछ और मिनटों का इंतजार किया जाना चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा कि 8 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी राज्यों के मुख्य सचिवों से बातचीत करेंगे, तो उससे पहले वो खत जो है वो एबीपी न्यूज के पास आ चुका है, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। और मैं दर्शकों को जरा ये खत जो है वो दिखाना चाहती हूँ, और उसमें वो लाइन दिखाना चाहती हूँ। Department of Government of India, state government and state authorities to continue the lockdown measures up to 31st. ये देखिए मैं zoom करके दिखाती हूँ। Continue the lockdown measures up to 31st May 2020. और ये आपको दिखा दूँ, National Disaster Management Authority की तरफ से जारी किया गया order है। ये ऑर्डर 17 मई को जारी किया गया, ये देखिए डेट यहां पे मैं जूम करके दिखा रही हूं, 17 मई को जारी किया गया, जिसमें ये क्लियर लिखा हुआ है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट लॉकडाउन मेजर्स नीड टू बी इंप्लीमेंटेड फॉर अ फर्दर पीरियड इन द कंट्री टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ COVID-19, एनडीएमए इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स अंडर सेक्शन 6(2)(i) of Disaster Management Act 2005 hereby directs the ministries, Department of Government of India, state governments and state authorities to continue the lockdown measures up to 31st May 2020. आप ये समझ लीजिए, ये क्लैरिटी अब इस खत के साथ मिल गई है। रात 9 बजे कैबिनेट सचिव राज्यों के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन के लिए एनडीएमए का ये निर्देश है, जिसमें 31 मई की तारीख जो है वो मेंशन कर दी गई है कि तैयारी जो पूरी आप रख रहे हैं वो 31 तक की रखिए। ओम प्रकाश भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, स्पष्ट तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये चिट्ठी भेज दी है, केंद्रीय गृह सचिव के पास ये पत्र भेज दिया है एनडीएमए ने, और इस एनडीएमए की चिट्ठी में मेंबर सेक्रेटरी ने डायरेक्ट किया है कि 31 मई 2020 तक देश के सभी राज्यों में लॉकडाउन जारी रहेगा। लेकिन इस लॉकडाउन की शर्तें क्या होंगी, इस लॉकडाउन में क्या छूट दी गई है, इसके लिए एनडीएमए ने केंद्रीय गृह सचिव को कहा है कि वो अपनी तरफ से आदेश निकालें कि इस लॉकडाउन में किस तरह की छूट दी जाएंगी। लेकिन एनडीएमए ने स्पष्ट किया है कि देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार समेत 31 मई 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। रूपका, 31 मई तक लॉकडाउन जारी रहने वाला है। 9 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी जो है कैबिनेट सेक्रेटरी की बाकी राज्यों के साथ होने वाली है। अब मैं आप दोनों से एक एक करके ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये समझना जरूरी है। अब ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये गाइडलाइंस के बाद होनी है कि पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और उसके बाद गाइडलाइंस आएंगी? पंकज, जो जानकारी मिली है कि एक बार गाइडलाइन जारी हो जाने के बाद इस गाइडलाइन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जो हैं वो राज्यों के मुख्य सचिव से बात करेंगे, ऐसी जानकारी आई है। यानी पहले गाइडलाइंस आएंगी और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निटिग्रिटीज जो है वो डिस्कस की जाएगी। ओम प्रकाश, आपके पास भी ये जानकारी है? बिल्कुल पंकज जी, एकदम सही कह रहे हैं कि पहले गाइडलाइंस आएंगी। गाइडलाइंस मैं आपको बता दूं रूपका, किसी भी क्षण जारी हो सकती हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने उसको अंतिम रूप दे दिया है और वो किसी भी क्षण जारी की जा सकती हैं। इस गाइडलाइन में स्पष्ट है कि आगे की जिंदगी, लोगों को किस तरह से कोरोना को अपने साथ लेकर चलना होगा और किन किन चीजों में छूट दी जाएगी। लेकिन स्पष्ट है कि गाइडलाइन जारी होने के बाद
केंद्रीय कैबिनेट सचिव राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक करेंगे रूबिका। इस वक्त की खबर यह है कि गाइडलाइंस कभी भी आ सकती है। ओम प्रकाश ये जानकारी हमें दे रहे हैं कि बस हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए क्योंकि किसी भी वक्त गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। अलग अलग जगविंदर पटियाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं और पंकज झा भी दिखाई दे रहे हैं। जगविंदर मैं चाहती हूँ आपके पास जो जानकारी है पहले वो साझा करें। देखिए रूबिका, एक तो 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करने वाले हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, और वो बताएंगे कि जो गाइडलाइंस जारी होती हैं उसमें क्या क्या खुलेगा और कैसे कैसे इंप्लीमेंट करवाया जाएगा। अगर राज्यों के नौकरशाहों का कोई सवाल होता तो उसका भी वो जवाब देंगे। तो ये 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। लेकिन अगर लॉकडाउन की बात करें तो पंजाब पहले ही एक कदम आगे है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 24 घंटे पहले ही ऐलान कर दिया था कि 31 मई तक पंजाब में लॉकडाउन जारी रहेगा। हाँ, आज रात से कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। 17 मई तक पंजाब में कर्फ्यू था। अब सवाल यह है कि क्या क्या रियायतें मिलती हैं, इसलिए हमारी भी गाइडलाइंस पे नजर बनी हुई है। चंडीगढ़, हरियाणा और हिमाचल ये भी गाइडलाइंस की तरफ देख रहे हैं और वहां पर भी लॉकडाउन जारी रहेगा 31 मई तक। आप समझ लीजिए 72 दिन जो है वो पूरे हो जाएंगे। अगर 31 मई इस वक्त आप समझिए कि आपको वो गाइडलाइंस तो मिलेगी लेकिन लॉकडाउन 4.0 के साथ आपको चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, ये क्लियर हो गया है। ये कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए किया गया है, 72 दिन का वो लाइफ स्पैन और उसको तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन इस वक्त आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। रात 9 बजे कैबिनेट सचिव जो हैं वो बातचीत करने वाले हैं अलग अलग राज्यों से और इस बात पर चर्चा होगी कि गाइडलाइंस में कौन कौन से जो बिंदु हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इस लिहाज से ओम प्रकाश, इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस थोड़ा जल्दी आएंगी, जल्दी से मेरा मतलब है अभी कुछ देर में आ जानी चाहिए क्योंकि उसको तो पहले रीड करना पड़ेगा ना, और रीड करने के बाद ही तो फिर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अगर नौकरशाहों को हुआ तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछ पाएंगे। बिल्कुल रूबिका, आप एकदम सही कह रही हैं। गाइडलाइन अब से कुछ देर बाद जारी कर दी जाएगी। इस गाइडलाइन को केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा अंतिम रूप देने का काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस गाइडलाइन के जरिए राज्यों के जरिए काफी हद तक छूट दिए जाने का प्रावधान है, खासकर जो जैसे सीमित ट्रांसपोर्ट का मामला है, तो ट्रांसपोर्ट में अगर मेट्रो रेल या बस चलती है तो उसमें भीड़ को किस तरह से कम करने की कवायद की जाएगी, उसके लिए क्या प्लानिंग्स हैं, ये तमाम चीजें हैं जिनको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इसके लिए केंद्रीय गृह सचिव चाहते हैं कि एक बार आदेश जारी होने के पहले तमाम बातों पर एक बार गौर कर लिया जाए, चूंकि इस बार केंद्र सरकार नहीं चाहती कि आदेश जारी होने के बाद किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन निकाला जाए जैसा कि पहले के लॉकडाउन 3 तक होता रहा है। लिहाजा केंद्रीय गृह सचिव अपनी अध्यक्षता में इस गाइडलाइन को अंतिम रूप दे रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद गाइडलाइन जारी होने की संभावना है रूबिका। तो पंकज, आप इस चीज को ऐसे समझना चाहिए कि बार बार आपको आपके जहन में ये बात डाली जा रही थी और ये समझाने की कोशिश की जा रही थी कि अब आप हिंदुस्तान में अलग अलग जोन में बटे हुए हैं और उस जोन को कैसे काम करना है वो आपको आगे थोड़े थोड़े टाइम में जो गाइडलाइंस आएंगी उसके जरिए दिया जाएगा। अब ये जो लॉकडाउन 4.0 है और इसकी जो गाइडलाइंस है, हमें समझ लेना चाहिए कि आपको घर से बाहर तो लाएगी, ढिलाई तो देगी, लेकिन इस बात के साथ कि देखिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। रूबिका, दो चीजें तो साफ हैं कि एक तो कोरोना के साथ हमें जीना है और दूसरी बात लॉकडाउन की वजह से जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, बिल्कुल काम धंधे बंद हो गए थे, वो भी एक बड़ा खतरा है। उसको धीरे धीरे कैसे शुरू करें, राज्य सरकारों के पास भी कुछ संसाधन आए, इसको देखते हुए दोनों के बीच का फार्मूला निकालने की बात हो रही है। लोग बाहर निकलें लेकिन बाहर वो किस तरीके से निकलें, क्या करें, कहां तक जाएं, ये सारी चीजें उसमें तय होंगी गाइडलाइन में और सब कुछ क्लियर रहेगा कि हमें आगे कैसे चलना है लॉकडाउन 4 में। अभी जो है जगविंदर पटियाल, थोड़ी ढिलाई और दी जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सारी गाड़ियां और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सड़क पर दिखेगा। नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है रूबिका। जो हमारा स्लोगन है ना कि कोरोना के साथ जीना है, ये बताने की कोशिश की जाएगी कि अब कोरोना भी रहेगा और हमें जीना भी है, तो इसलिए काम धंधे पर भी लौटना है। कुल मिलाकर आर्थिक गतिविधियों को चालू करना, आवाजाही और दफ्तरों को चालू करना, ज्यादा पूरी स्ट्रेंथ के साथ ना सही, 33% के साथ ही सही, ये सब मकसद रहेगा। लेकिन जो इकोनॉमी है वो सभी राज्यों की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है और पंजाब की तो हालत खराब है। 88% रेवेन्यू लॉस अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री को बता रहे हैं तो आप मानिए कि 3,500
करोड़ रुपए जो मंथली इनकम थी वो 400 करोड़ रह गई है, तो ये तो तनख्वाहें देने के लायक भी नहीं है। और अगर मान लीजिए कि ये गतिविधियां चालू नहीं करते हैं तो ना तो केंद्र को कोई जीएसटी जाएगा और ना ही वहां से राज्य सरकार को कुछ मिलेगा, तो ये तो पूरा ठप हो जाएगा। अब मकसद यही है कि आवाजाही थोड़ी बढ़ाई जाए, काम धंधे की रफ्तार तेज की जाए, ताकि जो क्राइसिस और बड़ा खतरा मंडरा रहा है सिर पर उससे बचा जाए, उसे घटाया जाए और कोरोना से भी बचा जाए। अलग अलग राज्यों के मेरे सारे सहयोगी यानी एबीपी न्यूज के संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये बताना चाहती हूँ मैं आपको, मुंबई से मृत्युंजय हमारे साथ है, मनीष शर्मा इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि 6 बजे संडे को पंकज का पंच जाता है, और पंकज इस बार इस एपिसोड में यही बताने वाले थे कि इकोनॉमी की रफ्तार जो है वो क्यों इस वक्त जरूरी है, जो जगविंदर बता रहे हैं। मनीष और मृत्युंजय मैं आपके पास आऊं उससे पहले, पंकज अर्थव्यवस्था को आपको पटरी पर लाना है, ठीक है भाई समझ में आता है, लेकिन आप पटरी पर कैसे लाएंगे, क्योंकि सड़क पर सारे मजदूर हैं, सड़क पर सारे श्रमिक हैं, आप अपनी फैक्ट्रीज चलाएंगे कैसे? तो ये जो क्राइसिस है वो खत्म होता तो नहीं दिख रहा है पंकज? रूपका देखिए, दो तरीके की परेशानी है। एक तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम धंधा चौपट हो गया, तो जो जहां थे जिस राज्य में पहले से रह रहे थे उनमें से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। एक सर्वे के मुताबिक हर चौथा हिंदुस्तानी बेरोजगार हो गया। दूसरी बात, प्रवासी मजदूर जो चले आ रहे हैं, खासतौर से हिंदी पट्टी के इलाकों में देखें, वो बिहार का मसला हो, यूपी हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, यहाँ लाखों की संख्या में मजदूर वापस लौट रहे हैं, वो अब आकर क्या करेंगे, उनके पास भी कोई जरिया नहीं है। तो राज्य सरकारों ने अपना अपना कुछ फार्मूला बनाया है। जैसे मैं अगर यूपी का ही जिक्र कर लूं, तो जैसे थर्ड लॉकडाउन के फेज में कुछ फैक्ट्रियों को कुछ शर्त के साथ खोलने की इजाज़त दी गई, तो यहाँ क्या किया गया, जो अगल बगल के जिलों में लोग चले गए थे मजदूर या कामगार काम करने के लिए, सरकार ने उनको वापस बुलाया और कुछ फैक्ट्रियों में काम शुरू हो गया है। लॉकडाउन 4 में जब ज़्यादा छूट मिलेगी तो मुझे लगता है जो मजदूर वापस आए, जैसे मान लीजिए कोई दर्जी है, कोई लोहार है, कोई सुनार है, उसको उसी के स्किल के हिसाब से एमएसएमई से जोड़ दिया जाए तो कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं पहले से। अच्छा पंकज, ये हर कोई चाहेगा कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हो, लोगों के जेब में पैसा भी आए लेकिन वो पैसा कोरोना को ठीक करने में जाया ना हो, हर कोई चाहेगा कि वो स्वस्थ भी रहे, मतलब जान भी रहे और जहान भी रहे, और इसीलिए हम वो गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच तमाम दर्शक ये जानने के एबीपी न्यूज क्या हो सकता है लॉकडाउन 4.0 में, गाइडलाइंस क्या क्या हो सकती है वो बता रहे हैं। फिर कह दूं मैं, क्या है वो नहीं, क्या गाइडलाइंस हो सकती है वो बता रहे हैं। बिल्कुल मेरे साथ में बगल में जो आपको ये ग्राफिक्स दिख रहे हैं, ये देखिए, जैसे फ्लाइट की सीमित सेवा हो सकती है, और फ्लाइट की सीमित सेवा के ठीक ऊपर देखिए, थोड़ा छोटा फॉन्ट है लेकिन आपको दिख जाएगा, ये देखिए क्या हो सकता है, फ्लाइट की सीमित सेवा हो सकती है चालू, सीमित सेवा रेल की भी, मेट्रो की सीमित सेवा चालू हो सकती है, एक जिले से दूसरे जिले में जाने की छूट मिल सकती है, लेकिन मृत्युंजय भी हमारे बाजार दुकानें खुल सकती है शर्तों के साथ, फैक्ट्रीज तो खुली हुई हैं, स्कूल कॉलेजेस ये किसी भी कीमत पर नहीं खुलने वाले, मॉल भी नहीं खुलने वाले हैं, लेकिन मृत्युंजय मुंबई और महाराष्ट्र में ये सब भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि टॉप पर है, अव्वल नंबर पर है कोरोना वायरस इन्फेक्शन के केस में महाराष्ट्र। बिल्कुल सही कहा रुबिका, और कैसे हालत में मुंबई में यह सब कुछ खुलेगा, जब पूरे देश भर के अगर आंकड़ों की बात करें तो एक तिहाई आंकड़े तो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। आज अगर आज सुबह के आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश भर में अगर 90,000 मामले हैं तो 30,000 मामले तो सिर्फ महाराष्ट्र से है, 18,500 मामले सिर्फ मुंबई से हैं। इतना ही नहीं, और अभी जो स्थिति है वो और चिंताजनक है। कल के अगर हम आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो मुंबई में 24 घंटों में 41 लोगों की मौत हुई है और महाराष्ट्र में 24 घंटों में 67 लोगों की मौत हुई है। यहां पर प्रायोरिटी इस समय अर्थव्यवस्था से ज्यादा लोगों की जान बचाना है और उन लोगों को भी ध्यान रखना है जो अपनी जान बचाने के लिए मुंबई से पलायन कर रहे हैं। दो तरह के लोग पलायन कर रहे हैं, एक जिनके पास एक वक्त की रोटी जुटाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है वो पलायन कर रहे हैं, दूसरे डरे हुए लोग भी पलायन कर रहे हैं जिन्हें लगता है कि अब कोरोना उनके पड़ोस तक पहुंच गया, अब उनके घर तक ना पहुंच जाए, तो वो भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करके अपनी गाड़ी या जो भी साधन उपलब्ध हो उससे वो पलायन कर अपने किसी दूसरे जो राज्य में है उनका घर निवास है वहां चले जाए। ये भी स्थिति मुंबई में है। तो मुंबई में जो स्थिति बनी हुई है ये कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। मुंबई, थाने, पुणे, मालेगांव, औरंगाबाद, ये 5 जो जिले हैं, आप यहां पर किसी भी प्रकार के रियायत को भूल जाइए क्योंकि अभी यहां पर कोरोना का
पीक है और ये केसेस यहाँ पड़ते जा रहे हैं। अभी जरूरत है कल से मुंबई में जो महाराष्ट्र के किसी भी बाशिंदे को किसी भी रियायत के लिए सोचना भी चाहिए, क्योंकि आप देखिए ना, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो गुजरात हो या फिर दिल्ली हो, इन तीनों राज्यों को मिलाकर भी मृत्युंजय उतने केसेस नहीं हो पाते हैं जितने अकेले महाराष्ट्र में है, 20,000 के आसपास। हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास वो कौन सी खबर है जो सबसे इस वक्त महत्वपूर्ण है और दर्शकों को जाननी चाहिए? जी रूबिका, सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि राजस्थान में अगर लॉकडाउन 4.0 की बात की जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बिल्कुल साफ मंशा है कि बीते दो महीनों की जो तपस्या है वो व्यर्थ चली जाएगी अगर लॉकडाउन में राज्यों को अधिकार नहीं दिए गए कि वो अपने स्तर पर यह तय करें कि किन क्षेत्रों को खोलना है और किन क्षेत्रों में प्रतिबंधों को जारी रखना है। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, राजस्थान में 5,000 केस अब तक सामने आ चुके हैं और पिछले 4 दिनों का आंकड़ा तो बेहद डराने वाला है। हर दिन 200 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, 125 मौतें ही हुई हैं, ये एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन जयपुर, जोधपुर, नागौर, कोटा, ये वो जिले हैं जो लगातार हॉटस्पॉट बने हुए हैं। ये बिल्कुल तय है कि स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थान नहीं खुलने वाले, लेकिन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद राजस्थान सरकार ये चाहती है कि उन्हें भी कुछ अधिकार दिए जाए जिसके अनुसार ये तय किया जाए कि किन क्षेत्रों में प्रतिबंधों को लागू रखना है और किन क्षेत्रों से प्रतिबंधों को कम करना है। जी रूबिका, जो बात मनीष कह रहे हैं, जगविंदर पहले मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो 9 बजे मुलाकात कर सकते हैं। क्या ऐसे कोई चांसेस हैं कि अब राज्यों पर छोड़ दिया जाए कि भाई आप डील करो? पहले तो सारा सेंट्रलाइज था, यहां से गाइडलाइंस जारी हो रही थी, अभी भी होगी, लेकिन कौन सी जोन कैसे बनानी? जैसे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल बातचीत में कह रहे थे एबीपी न्यूज से कि वो हम पर छोड़ दीजिए, हम डिसाइड करेंगे, ऐसा हो सकता है? देखिए, जो कांग्रेस शासित देश है, प्रदेश है ना, वो सब ये बात कह रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केंद्र किसी भी तरह से जो इतने दिन की ये तपस्या की है, उनको लगता है कि कहीं राज्य कचरा ना कर दे, पैसा कमाने के चक्कर में, राजस्व जुटाने के चक्कर में कहीं इतनी गतिविधियां ना खोल दे कि स्थिति को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती है और बड़ा सख्ती से इंप्लीमेंट करवाने के लिए अफसरों पर दबाव भी रखा जा रहा है। पंजाब में कुछ रियायतें 2 दिन पहले दे दी गई थी पिछले लॉकडाउन में, तो अजय भल्ला ने एक करारी चिट्ठी लिखी थी मुख्य सचिव को और उन्होंने ये आगाह किया था कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। जब हम रियायतें देते हैं आप तभी रियायतें दीजिए, कूलर और बुक शॉप्स की खोलने के लिए आपने कैसे 2 दिन पहले आदेश जारी कर दिए? तो इन तमाम चीजों को मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से अभी राज्यों को स्पुर्द किया जाएगा, वरना उससे ये रहेगा कि कहीं इतने दिन का जो लॉकडाउन और कर्फ्यू रखा गया उसका नुकसान ना हो जाए। पंकज भाई, राज्य ये कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए, और खासकर जैसा जगविंदर कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो राज्य हैं वो ये बात कह रहे हैं, राज्य ये भी कह रहे हैं कि भाई हम कहाँ से पैसा लेकर आए, हम केंद्र सरकार से पैसे की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो आती दिख नहीं रही है, केंद्र कह रहे हैं हम तो भाई भिजवा रहे हैं पैसा। ये बहुत कंफ्यूजन है जिसे राज्यों को सेंटर के साथ दूर करना जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। और इसीलिए तो रूपका लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। रही बात कि राज्यों को कितनी छूट दी जाए, इस बार उनको कुछ छूट दी जाएगी अपने अपने हिसाब से, लेकिन सब कुछ उनके हवाले कर दिया जाए ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आएगा। और इसीलिए याद करिए रूपका, लॉकडाउन 1, 2, 3 में ये हुआ था कि MHA के गाइडलाइन में कोई छेड़छाड़ कोई राज्य सरकार नहीं कर सकता है, आप उसको स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर रिलैक्सेशन करने का अधिकार छीन लिया गया था। आपने देखा केरल सरकार चाह रही थी अपने यहाँ कुछ खोलने के लिए, मुंबई में ऐसे ही शराब की दुकानों के साथ बाद में फैसला वापस लेना पड़ा। तो ऐसी चूक जो है वो बहुत भारी पड़ सकती है, लोगों की जिंदगी का सवाल है, गाइडलाइन सेंटर से ही आएगा, राज्य सरकार को एक सीमित अधिकार होगा उसमें फेरबदल करने के लिए, इस बार इस तरह की संभावना जताई जा रही है। लेकिन वो कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जैसा आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 4-4 मरतबा CM से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद उस बैठक के CM से जब बात होती है अलग अलग राज्यों के, तो फिर वो अपनी दुविधा दिखाने और बताने लगते हैं। बहरहाल पिंकी भी हमारे साथ चेन्नई से जुड़ चुकी है। अब ये सारे हमारे संवाददाता इसलिए एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब राज्यों की रूपरेखा क्या हो सकती है, वो नया तरह का लॉकडाउन वर्जन 4.0 जिसे हम कह रहे हैं, उसका जिक्र प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं, सुनिए आप। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह
नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ बनी हुई है और एक बार फिर से हम दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं 31 मई तक के लिए हर राज्य को हर जो मिनिस्ट्री है उसे ये सूचित कर दिया गया है, और सूचित नहीं किया, ऑर्डर है, बकायदा ऑर्डर किया गया है कि 31 मई तक के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आप अपनी तैयारियां रखिए। पिंकी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पिंकी, किस तरीके की रियायत जो है वो चेन्नई देख रही है? रूबिका, देखिए जहां तक पूरे सदर्न स्टेट्स की बात है, क्योंकि हर सरकार जो है अपने अपने स्टेट्स में जिस तरह के नंबर्स बढ़ रहे हैं उसके अनुसार जो है फैसले लेना चाह रही है। जहां तक तमिलनाडु की बात करें तो 31 मई तक जो है अब इस लॉकडाउन को एक्सटेंड कर लिया गया है। तेलंगाना ने भी पहले ही 29 मई तक एक्सटेंड कर लिया था। वहीं केरला जो है कल सीएम ने साफ तौर पर यह कहा कि क्योंकि वहां पर अब एक्टिव केसेस जो है वो 100 से भी कम है, ऐसे में लॉकडाउन जो है अब वो डिसकंटिन्यू किया जाएगा। यानी साफ तौर पर हर एक राज्य सरकार जो है वो अपने अपने हालात को देखते हुए राज्यों में इस तरह के फैसले ले रही है। तमिलनाडु में भी क्योंकि अब केस जो है वो 11,000 के पार पहुंच चुके हैं, ऐसे में 25 राज्यों जिलों को जो है पूरी पार्शियल रिलैक्सेशन दे दिया है। लेकिन वहीं 12 ऐसे जिले हैं जहां पर अभी भी लॉकडाउन जो है वो पूरे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। सेम ऐसा ही जो है तेलंगाना में भी देखा जा रहा है, जहां पर 29 मई तक ये लॉकडाउन जो है एक्सटेंड किया गया है। कर्नाटका की अगर बात करें तो कर्नाटका ने अभी फिलहाल जो है सिर्फ 2 दिन के लिए और लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है। और जिस तरह से क्योंकि येडियुरप्पा ने भी सीएम जो है उन्होंने पीएम से जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कही थी तो उन्हें ये कहा था कि रेवेन्यू को ध्यान में रखते हुए अब जो है रिलैक्सेशन देना जरूरी है। और यही कारण है कि बेंगलुरु रेड जोन होते हुए भी यहां पर भी काफी हद तक रिलैक्सेशन दिया गया। ट्रैफिक जो है काफी ज्यादा नॉर्मल दिखाई दे रही है। आप कह रहे हैं कि काफी रिलैक्सेशन की जरूरत इस वक्त आ गई है क्योंकि आपको इकोनॉमी का वो पहिया जो है वो भी दुरुस्त करना है। पंकज, अब ऐसे में सिर्फ फैक्ट्रीज खुल सकती हैं, मतलब मैं हम पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, या फिर वो दुकानें भी खुल सकती हैं, बाजार भी खुल सकते हैं? और अगर बाजार में कोई दुकान तो वो पहले तो अब तक क्लियर था कि एसेंशियल कमोडिटी, लेकिन क्या 4.0 में और ज्यादा रिलैक्सेशन हो सकता है? जी हाँ, ये तय है। और रूबिका, देखिए जैसे पहली बार जब पिछली बार लॉकडाउन 3 में कुछ छूटें दी गई थी तो स्टैंड अलोन दुकानों को किया गया था, और आपको बताऊँ बिजली के पंखे की दुकान खोलने की इजाज़त दे दी गई थी, मोबाइल रिचार्ज करने वाली दुकान खोलने की इजाज़त दी गई थी। इस बार कुछ रियायतें दी जाएंगी, बाज़ार खुल सकते हैं, लेकिन जो हम बार बार कह रहे हैं कि मॉल नहीं खुलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं खुलेंगे, क्योंकि फैक्ट्री तो चल रही थी। तीसरे वाले लॉकडाउन में भी देखिए कुछ फैक्ट्रियां कुछ शर्तों के साथ ऑलरेडी काम कर रही हैं। इस बार उसका दायरा बढ़ाने की बात है, दोनों चीज़ों के बीच में समन्वय बनाना है कि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना का खतरा भी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना है, ये हम सबको इन दोनों के बीच का फॉर्मूला निकालना है। तो ये गाइडलाइंस जो है, नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, हमें ये समझ लेना चाहिए ये जो गाइडलाइंस है ये ब्रिज है कि लॉकडाउन भी रहे और इकोनॉमी भी चले, कोरोना वायरस भी दूर रहे और जेब में पैसा भी आए। इसके लिए गाइडलाइंस रूपी एक ब्रिज को तैयार किया जाएगा बहुत सोच समझ कर, और शायद इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। देखिए कई राज्यों ने तो इसको शुरू भी कर दिया है। मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण देता हूं राजस्थान का। राजस्थान की सरकार ने ढाबे खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, मिठाई की दुकान खोल दी, परचून की दुकान तो पहले ही खुली थी, कॉमन जो दुकानें थी वो भी खोल दी, लेकिन उन्होंने एक क्लॉज दे दिया कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वो करना है। होटल्स और ढाबे में जाना है तो वहाँ पे आप बैठ के खाना नहीं खा सकते, बल्कि पिक उठा के लेके चले जाना है, यानी कि ऑर्डर फोन पे दे देना है और वहाँ से लेना है और चले जाना है घर। तो ये जो एक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, फैक्ट्रियाँ खोलने की बात हो चुकी, जब इकोनॉमिकल एक्टिविटी आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आप फैक्ट्रियाँ भी खोलेंगे, छोटी कंपनियाँ भी खोलेंगे, छोटे मोटे कारखाने भी खोलेंगे, फिर उसमें जो वर्कर है जो आएगा जाएगा तो उसके लिए आपको कॉमन ट्रैवल वाहन भी आपको देना पड़ेगा, यानी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो लॉकडाउन तो रहेगा 31 तक, लेकिन जो जीवन ठहरा हुआ है वो थोड़ा सा चल निकलेगा। हाँ, ये जरूर है जो आपको बचाव के रास्ते हैं लॉकडाउन के दौरान,
आप कोरोना स्प्रेड ना करें, बढ़े ना, आप बीमार ना हो, इसके उपाय जो बताए गए हैं कि आपको कम से कम 2 गज की दूरी में रहना है, हर समय मास्क आपको पहन के रखना है, हाथों में ग्लव्स पहन के रखना है, सैनिटाइजर रखना है आप पास में, हर समय हाथ धोना है, तो ये जो मेजरमेंट है ये जरूरी है। हाँ, ये अलग बात है जैसे पंकज जी ने भी अभी कहा कि कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं खोली जाएंगी, जैसे कॉलेज नहीं खोले जाएंगे, अभी इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से बंद रहेंगे, तो इन सब ये सब रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, लेकिन अब चूंकि जिंदगी को पटरी पर लाना है, इकोनॉमी को आपको तेज करना है, आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें अब आपको खोलनी पड़ेंगी, ट्रांसपोर्ट भी खोलने पड़ेंगे, और कई राज्यों ने इसको शुरू भी कर दिया है इस एक्सरसाइज को, दिल्ली ने भी तैयारी कर ली है, तो अब इंतजार है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन की, गाइडलाइन कब आए और उसमें क्या क्या बिंदु है, उसी हिसाब से राज्य सरकार है उसमें इंप्लीमेंट करना शुरू, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो बात जैसे पंकज कह रहे हैं, जो बात पंकज कह रहे हैं, पंकज ने आपसे कुछ देर पहले कि भाई इससे पहले तक होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइंस आती थी उसमें किसी तरह का कोई रद्दो बदल जो है राज्य नहीं कर सकते थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी और उसको आपको मेंटेन करना था। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो लॉकडाउन 4.0 है, आप में से कोई भी अगर इसका जवाब दे सके यू वेलकम टू, आप बस मुझे इशारा कर दीजिएगा तो मैं आपके पास आ जाऊंगी, लेकिन तो सवाल ये है कि ये जो लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस आएगी, इसमें एक अम्ब्रेला गाइडलाइन होगी और उसके बाद ये कहा जाएगा कि फिर आप देखिएगा, राज्य देखे क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सके। पंकज, शुरुआत में आपसे करती हूँ। देखिए, पिछली बार कुछ ऐसी चीजें हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि उस जिले के DM जो है वो ये देखेंगे, इस बार भी गाइडलाइन केंद्र की तरफ से आएगा, कुछ इस तरीके की छूट नहीं दी जा सकती है राज्य सरकारों को कि आप क्या करेंगे, इसमें फिर बदल कर सकते हैं। हाँ, हॉट स्पॉट एरिया क्या, अंदर क्या होगा, बाहर क्या होगा, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि थोड़ी बहुत छूट उनको मिल सकती है कि इस पर राज्य सरकारें फैसला ले सकती हैं, हमें तब तक गाइडलाइन का इंतजार कर लेना चाहिए। ओके, थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। हमारे साथ संजय भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ से तो बार बार ये कहा गया है ना संजय, कि जो सरकार की तरफ से या जो केंद्र की तरफ से कहा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइंस आती है हम उसको मानेंगे, सर झुकाकर मानेंगे, किसी तरह का कोई हमें परेशानी नहीं है, अभी भी वही? बिल्कुल रूपका, ऐसा तो कहा गया है पहले भी, लेकिन इस बार जो डिमांड थी उत्तर प्रदेश की ओर से वो सबसे पहली ये डिमांड थी कि लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रवासी मजदूर जो लगातार पलायन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो लाखों की संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और उनमें से एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनके टेस्ट किए जाने के बाद में कोरोना संक्रमण के मामले भी सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में राज्य ये चाहता था कि 14 दिन का वक्त और मिल जाएगा, तो ये जो हमारे सामने प्रवासी मजदूर आ रहे हैं इनकी जांच पड़ताल, इनको क्वारंटीन करने का जो व्यवस्था है वो की जा सकेगी। इसके अलावा जैसा आप पूछ रही थी तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक डिमांड की गई थी कि जैसे होम मिनिस्ट्री अपनी ओर से डिसाइड करता है कि भाई पूरे देश में ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन कहां पर होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से डिमांड की गई थी कि इस बार ये फैसला हमको करने दिया जाए क्योंकि यहां की जो परिस्थितियां हैं उनको हम बेहतर तरीके समझते हैं, तो ऐसे में हम अगर डिसाइड करेंगे कि कौन सा जोन रेड जोन रहेगा, कौन सा जोन ऑरेंज रहेगा और कौन सा ग्रीन रहेगा तो ये बेहतर होगा। इसके अलावा यहाँ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी ओर से ये कहा गया था कि भाई अगर जो सिनेमाघर, मॉल्स और स्कूल हैं, हाँ? ये जो हॉटस्पॉट है उन इलाकों में भी ना खोले जाएं, लेकिन और दूसरे प्रतिष्ठान जो उस एरिया में नहीं आते हैं उनको खोला जाए, जिससे कि मतलब संजय आपकी बात सुनने के बाद भी बहुत क्लैरिटी हो गई है कि बहुत सारे राज्य और मेजोरिटी राज्य हैं जो ये बात कह रहे हैं कि अलग अलग जोन, क्या कौन सी जोन या कौन सा इलाका किस जोन में पड़ना चाहिए वो राज्य सरकारें डिसाइड करें, क्योंकि अगर सरकार के हाथ में वो रहता है तो कई बारी मामले कम ज्यादा हुए फिर वो लिखा पड़ी होकर वहां केंद्र में पहुंचे बड़ा वक्त लग जाता है और इसमें कहीं ना कहीं परेशानी फिर इकोनॉमिकली भी आती है।